नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। फिरोजाबाद सदर विधानसभा में मतदान की महाकवरेज। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में तीसरे चरण का मतदान संपन्न हुआ। इंडिया टॉप न्यूज टीम ने की महाकवरेज। इस दौरान किया फिरोजाबाद का माहौल देखिए। फिरोजाबाद से ब्यूरो चीफ राज जैन की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। मतदाता मतदान केंद्रों पर पहुँच रहे हैं, आइए उनसे जानते हैं खुद उन्हीं की जवानी। क्या नाम है आपका? राजू। वोट डाल दिया आपने? डाल। क्या नाम है सर आपका? श्रीनिवास। श्रीनिवास जी, ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो उनको ध्यान में रखते हुए आप चुनाव करने आए हैं? क्या चाहते हैं, देश में क्या होना चाहिए, क्या नहीं, कुछ बदलाव या देश में क्या विकास चाहते हैं? विकास चाहते हैं, विकास को ध्यान में रखते हुए आप सरकार में। वास्तव में हमें तो आराम मिला हुआ है। आराम मिला। अम्मा जी वोट डालने आई है, आइए अम्मा जी से बात करती है। अम्मा जी, क्या उम्र है आपकी? 75 साल। जैसा कि अम्मा ने बताया, इस उम्र में अम्मा जी वोट डालने आइए, पूछते हैं अम्मा जी से क्या इनके दिमाग में चल रहा है, क्या मुद्दे हैं, क्या राय है अम्मा जी। अम्मा जी क्या कहना चाहेंगे, आज आप वोट डालने आई हैं? क्या ये जीत जाए और क्या कहें, जीत जाए जैसे किनको डाला है? हाँ, कमल को डाला है, असीजा को। असीजा जी को चाहेंगे कि जीत जाए? हाँ। असीजा जी के बारे में क्या मानती हैं, कैसे आदमी है, कैसे नेता है? अच्छे आदमी है, उन्होंने बहुत करी है। बहुत अच्छे विकास कराया है असिया जी ने। हाँ, विकास कराया जी। जैसा कि आपने देखा, अम्मा जी ने अपनी राय बताई। आइए, ये भैया जी और हैं। भैया जी क्या? अरे योगी बाबा बैठेंगे साहब, योगी बाबा। योगी जी की सरकार फिर से चाहेंगे? ठीक है। जैसा कि आपने देखा, सर ने बताया असिया जी और योगी जी को फिर से ये देश में बुलाना चाहिए। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मयंक सविता है। मयंक जी, ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिनको ध्यान में रखते हुए आप चुनाव डालने हैं? मुद्दा तो बस यही है कि आज के टाइम पर जो चीज़ हो रही है सब साफ हो। जैसे कोई भी चीज़ अगर हम लेने जाते हैं, सरकार का बेनिफिट हमें डायरेक्ट मिलता है अपने अकाउंट में, और शिक्षा का स्तर काफ़ी बढ़ गया है। और ये सरकार जो है, जैसे मान लो कोई 2 नंबर का जो काम होता है, सरकार की तरफ से कोई पैसा आता है, वो डायरेक्ट हमारे अकाउंट में आता है। और इस सरकार में जैसे गैस की सबसे बड़ी बात है, आज बुक कराओ तो आज ही आ जाती है, पहले तो ब्लैक में लेनी पड़ती थी, वो सारे काम आज ख़त्म हो गए हैं। बस यही है कि जो सरकार है मौजूदा टाइम में, वो काफ़ी अच्छी सरकार है, पर आगे भी यही आएगी, मेरे हिसाब से यही है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा, सर ने बताया कि मौजूदा सरकार से ये काफ़ी खुश हैं और ये चाहेंगे कि यही सरकार दोबारा रिपीट होनी चाहिए। आइए कुछ लोग और मौजूद हैं, आइए इनसे जानते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सिद्धार्थ जैन है। सिद्धार्थ जी, क्या राय है आपके मन में, क्या ध्यान में रखते हुए आप वोट डालने आए हैं? विकास के लिए। विकास के फिरोजाबाद का विकास हो, रोडे बने, और इसके अलावा और कोई बेरोजगारी हो, महंगाई हो, क्या आपके दिमाग में है? बेरोजगारी है थोड़ी बहुत, वोट सही होनी चाहिए, बस सही होनी चाहिए। यस, तो आप यही चाहेंगे कि यही सरकार दोबारा आनी चाहिए? बिल्कुल। जैसा कि आपने देखा, विकास जी ने बताया यही सरकार, सिद्धार्थ जी ने बताया जी, जैसे यही सरकार द्वारा रिपीट होनी चाहिए, ये इस सरकार से काफ़ी खुश है। आइए कुछ लोग और हैं, इनसे हम बात करते हैं। अरे संग में हो, आधे आधे करके चले जाओ। क्या नाम है सर आपका? आशीष शर्मा। आशीष जी, वोट डाल दिया आपने? बिल्कुल डाल दिया सर। और क्या बात है आपके दिमाग में, क्या मुद्दे हैं? भाई मुझ शासन हो, गुंडागर्दी पर चोट होनी चाहिए जी। और बाकी जब तक देश मजबूत आत्म होगा तो अपने आप से प्रशासन चलेगा सही जी। जैसा कि आपने देखा, बताया सर ने कि भयमुक्त शासन हो और अपने आप ही देश तरक्की की राह पे जाएगा। चलिए हम भाई के निशान पे दिखाना चाहेंगे, भाई ने वोट डाला है, ये निशान पे दिखाना चाहेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे और भी तमाम लोग मौजूद हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं और पूछेंगे कि उनकी क्या राय है। क्या नाम है सर आपका? पद्मचंद जी। पद्मचंद जी, क्या दिमाग में बात है, क्या ध्यान में रखते हुए आप वोट डालने आए? राष्ट्र हित और देश हित के लिए जो कार्य करे उसके लिए वोट देना चाहिए, पार्टी और जातवाद की गंदगी से दूर रहना चाहिए मतदाता को। जैसा कि आपने देखा, सर ने बहुत अच्छी बात बताई, देश हित के ध्यान में रखते हुए वोट डालना चाहिए और जाति और धर्म से ऊपर उठकर वोट डालना चाहिए। आइए, और 72 वर्ष की उम्र मेरी जो है 72 वर्ष। हाँ, और मैं पिछले कई सालों से मतदाता कार्मिक के रूप में भी कार्य किया है मैंने जी। और सेवानिवृत्ति 2013 से हो चुकी है जी। अब ये वोट डालने का मुझे मौका मिला है 2013 के बाद जी। और पहले वो गुंडागर्दी इतनी होती थी कि बूथों का लूटना,
पानी डालना, मट पेटियों को उठा ले जाना, ये सब एक राष्ट्र विरोधी कार्य थे। अब जनता जाग चुकी है और उसी हिसाब से अपना मतदान राष्ट्र विकास के लिए दे रही है। जी बहुत अच्छा जी, जैसा कि सर ने बताया जनता जाग चुकी है और देश के विकास के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए राष्ट्र देश एक ही शब्द और विकास के लिए वोट डालना चाहिए, राष्ट्र के विकास के लिए वोट डालना चाहिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए वोट डालना चाहिए। जी सर, क्या नाम है आपका? सुरेश चंद बंसल। सुरेश जी, क्या उम्र है आपकी? 80 80 के साल में आप वोट डालने आए हैं। आपका जोश और जज्बा तारीफ के लायक है। हम सभी समर्थकों से बोलेंगे सर के लिए एक दो तालियां बजाएं। और अपनी फैमिली के साथ आए हैं, पूरे परिवार के साथ वोट डालने आए हैं। ये सभी के दिमाग में होना चाहिए कि पहले मतदान उसके बाद जलपान। आइए सर से हम दो बातें करेंगे। सर, क्या मुद्दे हैं, क्या बात है आपके दिमाग में जिसको लेकर आप वोट डालने आए हैं? ये हमारे योगी का जो है बहुत बढ़िया काम हो रहा है, सुरक्षा की बहुत सुरक्षा बहुत दे रहे हैं, गरीबों के लिए दान राशन पानी सब दे रहे हैं, मकान बने वगैरह हमारा दे रहे हैं, सुविधाएं बहुत दे रहे हैं और सुरक्षा बहुत है महिलाओं के लिए। और अब 5 साल और आ जाएंगे तो और भी जो है तरक्की होगी हमारे उत्तर प्रदेश की। जी बहुत अच्छा जी, जैसा कि सर ने बताया, आइए और हम कुछ लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है अम्मा जी आपका? हम मीरा देवी बंसल। अम्मा जी, आप जो वोट डालने आई हैं, क्या आपके दिमाग में है, क्या सोच? सुरक्षा है, लड़कियों की सुरक्षा हो गई, देश की सुरक्षा हो गई, राशन पानी मिल रहा है, सब यही सब अच्छा हो गया है, सब बदमाशगिरी खत्म हो गई, गुंडागिरी खत्म हो गई, यही सब बातें हैं। बहुत अच्छा जी। सर क्या नाम है आपका? सोनू कुमार बंसल। सोनू कुमार जी, आप क्या कहना चाहेंगे आज वोट डालने आए हैं? क्या योगी जी बस यही सरकार आनी चाहिए, रिपीट। भैया क्या नाम है आपका? हितांशु बंसल। हितांशु जी, आपके मन में क्या चल रहा है जिसको लेकर आप वोट डालने आए? मैं तो वोट डालने नहीं आया, मैं अपने दादाजी के संग आया हूँ क्योंकि उनको प्रॉब्लम होती है चलने में, लेकिन वो अभी तक वोट डालने आए हैं और उनने भी मोदी को ही वोट डाला है, भाजपा को, क्योंकि उनकी वजह से एजुकेशन इम्प्रूव्ड हुई है और बहुत सारी चीज़ें हुई हैं हमारे देश में, जैसे कि महिला को बहुत सुरक्षा मिली है और भी एजुकेशन वगैरह और हमारी सुरक्षा, राशन वगैरह और बहुत ही ज़्यादा सफाई हुई है हमारे देश में, इसलिए मैं वोट। जी बहुत अच्छा है, जैसा कि आपने देखा बाबा जी अपने पूरे परिवार के साथ वोट डालने आए हैं और देश की सुरक्षा के लिए चाहते हैं कि यही सरकार फिर से आनी चाहिए। कैमरा पर्सन राजा के साथ राज जैन, इंडिया टॉप न्यूज़, फिरोज।